पेट्रोल डीजल के दाम में उबाल थमा ही था कि सब्जियों के भाव ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा उछाल टमाटर में आया है। महज 3 दिनों में टमाटर 80 रुपए किलो पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि रिटेल मार्केट में लगभग सभी सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं, लेकिन थोक में भाव में उतनी तेजी नहीं है। सब्जियों के थोक और रिटेल भाव में 4 गुना तक का अंतर होना भी चिंता का विषय है, लेकिन सब्जियों के भाव में लगे तड़के ने रसोई घर का बजट बिगाड़ दिया है। 3-4 दिन में ही टमाटर हुआ लाल, 80 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर। टिंडा और हरा धनिया 200 रुपए किलो, करेला, शिमला मिर्च, तरोई और नींबू 60 से 80 रुपए किलो, ग्वार फली, भिंडी, गोभी 40 से 60 रुपए किलो। कोरोना काल में आम उपभोक्ताओं को एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 3 दिनों से थमे हुए हैं, लेकिन सब्जियों के भाव में तेजी हो रही है। सब्जियों के भाव का यह तड़का महज 3 से 4 दिन में ही लगा है। इससे उपभोक्ताओं की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। सब्जियां काफी अभी पिछले 1-2 वीक से काफी हाई चल रही है। सब्जियां सारी सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं। सब लोग थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले जाते हैं। पहले ज़्यादा सब्जी ले जाते थे, अब थोड़ी सब की क्वांटिटी कम कर दी। कोई आधा किलो ले जाता है, कोई पाव भर ले जाता है। पहले एक एक डेढ़ किलो ले जाया करते थे लोग। बाग सब्जी का इस टाइम बहुत बुरे हाल है। जो मिल रही सब कच्ची पक्की मिल रही है, एक भी सब्जी सही नहीं है। टमाटर 80 रुपये किलो है, आम चल रहे सस्ते हैं जिनका सीजन चल रहा है बस। इसके अलावा और तो सब बुरे हाल है सब्जी मंडी में। आम सस्ते हैं, टमाटर महंगे हैं, बाकी सब सब्जी महंगी है। शिमला 80 रुपये किलो है, वो भी सड़ी है सारी, मतलब खराब है। मजबूरी है, लेनी है, गरीब आदमी है, खाना तो पड़ेगा, कैसे भी मिल गया। यहाँ टमाटर रहा 10 से 50 रुपये किलो, टिंडा और शिमला मिर्ची 30 से 50 रुपये किलो, करेला, लौकी, भिंडी, ग्वार फली, तरोई और हरी मिर्ची के भाव रहे 10 से 15 रुपये किलो। ये तो रिटेल सब्जी मंडी की बात है, यानी सब्जियों के भाव तो थोक में भी बढ़े हैं, लेकिन जितने रिटेल में बढ़े हैं उतने नहीं। सब्जियों के रिटेल भाव थोक की तुलना में लगभग 4 गुना तक अधिक है। सब्जियों के भाव तो ऐसा है, कुछ सब्जी खेतों में भी नहीं है और पतझड़ पे चल रही है सब्जी। अब पतझड़ का मतलब आवक कम है सब्जी की, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो हालत खराब है सब्जी के इस टाइम। और हर सब्जी के पेस बढ़े हुए हैं तो दूने रेट पे चल रही है इस टाइम। टमाटर 2-4 दिन पहले 50-60 रुपये था, आज 80 रुपये किलो का रेट है टमाटर का, और आने वाले समय में और बढ़ेगा टमाटर। मुहाना मंडी ऐसा है, वो होलसेल में आती है, हम लोग लाते हैं छांट छांट के लाते हैं, बढ़िया करके लाते हैं, तो थोड़ा रेट में डिफरेंस हो जाता है। जैसे वहाँ मुहाना में 50 है तो हम 60 रुपये किलो लेके आते हैं। सब्जियों के भाव यूं तो मौसम और मानसून पर निर्भर करते हैं, लेकिन इनके थोक और रिटेल भाव में 4 गुना का अंतर होना सामान्य बात नहीं है। मंडी मार्केटिंग बोर्ड को सब्जियों के रिटेल और थोक मूल्य निर्धारण के लिए कोई फॉर्मूला तय करना चाहिए, जिससे किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले और उपभोक्ता सब्जियां वाजिब दामों पर खरीद सकें। कैमरामैन विजय गिरी और रामकिशन के साथ A1 TV के लिए BK शर्मा की रिपोर्ट।